नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फूडी अमित कनपुरिया और आज हम आए हैं कानपुर सिटी हॉस्पिटल गुरुदेव के पास। यहां पर है अमित मेडिकल स्टोर, जिसके जस्ट सामने बैठते हैं एक अंकल जो बनाते हैं लैया चना और भेल पूड़ी। आइए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये लोकेशन दिखाना चाहूँगा। ये जो 56 भोग वाली रोड है, जहाँ पे कानपुर सिटी हॉस्पिटल है, इसके जस्ट सामने अमित मेडिकल स्टोर है और यहाँ पे ये अंकल बैठते हैं। ये है इनकी दुकान। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद। हाँ जी, फूलचंद। फूलचंद, ये आप क्या क्या बेचते हैं यहाँ पे? लैया चना, दाल मोठ, नमकीन। कितना दिन हो गया आपको बेचते बेचते? हमको हो गया 3 साल। 3 साल हो गए हैं। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 3 का 80। 3 का 80 मतलब हो गई 70 साल के हो गए हैं आप। अच्छा, इससे पहले कुछ और करते थे? गुड़ लगाते थे। अच्छा, फल लगाया था। अच्छा, तो अभी आप हमको क्या बना खिलाएंगे? लैया चना आप बनाते हैं? बना दीजिए ज़रा। ये देखिए दोस्तों, ये इनका दुकान है, ये ठेला है जिसमें इन्होंने कई चीज़ें रखी हुई हैं। ये चना है लिया, ये भुना हुआ चना है, और ये मूंगफली। हाँ। मूंगफली ले ली, और इसमें क्या डालेंगे? नमकीन। नमकीन डाल रहे हैं, नमकीन वाली पापड़ी। अच्छा, और ये दाल मोठ डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मुरमुरा लैया भी डाल दिए इन्होंने। और क्या डालेंगे? प्याज है। प्याज डालेंगे, नींबू डालेंगे। ठीक है, नींबू डालिए और प्याज। ये देखिए, इन्होंने प्याज काट के रखा है, प्याज डाल रहे हैं और ये नींबू डाल रहे हैं। और ये हरी मिर्चा आपने रखी रखी है, अगर किसी को खाना हो तो हरी मिर्चा भी डलवा सकता है। ये किस तरह का मसाला है आपका? ये बुकनू है। ये बुकनू है, अच्छा ठीक है। एक हरी मिर्चा आप डाल, एक ही डालिएगा, कम डालिएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये अंकल हैं जो 70 साल के हो चुके हैं और इस उम्र में भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इन लोगों के पास ज़रूर आएँ, ऐसे अंकल के पास, और इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदते रहें ताकि इनका भी काम चलता रहे। ये देखिए कितनी मेहनत से सारे मसाले मिला के अच्छे से बना रहे हैं। ये इसको मिक्स कर देंगे आप? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसमें अब तो कुछ डालना नहीं होगा मेरे हिसाब से, अब बन गया है पूरा मिक्स करके, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे? ये लिफाफा है इनका, कागज़ का, इसमें निकाल रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिए निकाल के दिया है मेरे को। ये कितने का बना है अंकल? 20 रुपये का बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया आपने। आइए दोस्तों, अब अंकल का लैया चना टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना हुआ है। बहुत बढ़िया बना हुआ है, क्योंकि इसमें उन्होंने जो हरी मिर्चा डाली हो वो काफ़ी तीखी है और अच्छा टेस्ट दे रही है। इसमें जो लैया चना, दाल मोठ और मूंगफली है, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन अंकल ने मिलाया है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कानपुर सिटी हॉस्पिटल की तरफ से गुजर रहे हैं गुरुदेव में, तो आप इन अंकल से ज़रूर लैया चना और दाल मोठ खरीदें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।